सभी का मैं यूट्यूब चैनल फैसला रही तक में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों दोस्तों जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है आप लोगों का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस का जो विज्ञापन जारी हो चुका है उसकी वेबसाइट पर कल से दिखेगा 3 तारीख से, लेकिन मैंने सोचा आपको आज ही बता देते हैं। 3 का इंतज़ार क्यों करें, इंतज़ार ख़त्म हो गया है। पदों की संख्या 173 है अभी लगभग, और विस्तृत विज्ञापन कल 3/3/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन 3/3/2023 से अंतिम तिथि 6/4/2023 तक का होगा, और न्यूज़पेपर में भी जो विज्ञप्ति निकली है उसको भी चले। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको पढ़े दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। वेबसाइट का नाम आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो upsc.up.nic पे उपलब्ध रहेगा कल से, ठीक है। और इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जात प्रमाण पत्रों को प्रोफार्मा प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों और जिलों के नाम, आरक्षण, आय की छूट संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि सारी चीज़ें उसी में उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं आहत होने की स्थिति में ही आवेदन करें, फर्जी लोग आवेदन ना कर दे फालतू में, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग, आगे देखिए क्या क्या कहा गया है। तो 10 शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करी गई है, 173 ही रिक्तियाँ हैं। कहा गया आयु सीमा की बात कर ले, 40 वर्ष से अधिक ना हो, 1 जुलाई 2023 को क्या कर रहा हो, ये 21 साल पूरा कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। 2 जुलाई 1983 से पूर्व, 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होनी चाहिए इनकी जन्म तिथि, ठीक है। इनका जन्म 2 जुलाई 1968 से पूर्व नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं अनुमान है। आवेदन प्रारंभ होगा 3/3 से और ऑनलाइन 3/4/2023 से, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6/4/2023 है प्रयागराज से, ये 1 मार्च को आया हुआ था, कल था, ठीक है। तो ये है, दिव्यांग भी 55 साल का नहीं होना चाहिए, बाकी कैटेगरी में SC 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया है, अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं भर सकते, अगर आपकी 2 जुलाई 1983 के पहले की है तो नहीं भर सकते। तो ये कंडीशंस हैं, बाकी आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अकॉर्डिंग, तब तक बनिए, नमस्कार।